हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोग मेरी वीडियो सब अच्छे लग रहे होंगे। मेरे ऑक्टोपैड कवर से मतलब जो भी गाना मैं बजा रहा हूँ आप लोग अच्छे लग रहे होंगे। और आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में हम एक नागपुरी गाना में हम ऑक्टोपैड बजाने के आप लोग को दिखाने वाले हैं। वो गाना का नाम है नदी कर पानी लेगा, जो क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग है, जो कि बहुत ही अच्छा गाना है, एकदम क्या बोले, बहुत थे मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसी गाना पे आज हम अपना ऑक्टा पैच पैटर्न बनाए हैं और बजाए हैं। उसमें हम 3 पैटर्न यूज़ किए हैं, तो आप लोग आगे बने रहिए, मैं आप लोग का पैच पैटर्न भी बताऊँगा और पैटर्न भी बताऊँगा और गाना में बजा के भी दिखाऊँगा। तो चलिए सीधा ऑक्टा पैट की तरफ। पैट अपने ऑक्टा पैट की तरफ आ चुके हैं और सबसे पहले आप लोग को हम इंस्ट्रूमेंट चेक कराते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ किए हैं इस पैच में। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। नंबर 1 पे है हमारा F22, L11 है, T35 है नंबर 3rd में, नंबर 4th में C35, B47 सबका कॉमन, अधिकतर यूज होने वाला ये बेस है, S14 है लूज स्नेयर, S27 है, ये है L27, ये है हमारा मतलब इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए है। 3 पैटर्न यूज़ किए हम इसमें। तो गाइस अभी हम लोग पहला पैटर्न देखते हैं। पहला पैटर्न क्या है, 2 3 4। ये है पहला पैटर्न हमारा इस सॉन्ग का। सेकंड पैटर्न देखते हैं, 1 2 3 4। यह होगा सेकंड पैटर्न इस सॉन्ग का। 1 2 3 4। ये हमारा तीसरा पैटर्न हो गया। तो आप लोग मतलब डफ के साथ और सिंग बिना डफ के साथ आप लोग कहीं भी मतलब जहाँ पे जगह मतलब वहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं साउंड, जैसे कि मतलब जहाँ पर जगह बन रहा है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं पैटर्न्स, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और स्नेयर से भी जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। Thank you.
लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सिंपल ही था ये पूरा ही, मतलब चर्च सब में अधिकतर ये गाना गाया मतलब गाया जाता है, और बहुत इजी है पैटर्न भी, तो आप लोग सीख सकते हैं और बजा सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल द टाइम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।